जो घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज न कर पाए वो रोहित शर्मा और सुमन गिल, यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जुरेल ने कर दिखाया। आप सभी को बता दें कि जिस पर ज्यादा भरोसा करते थे वही बल्लेबाज फ्लॉप रहे, यानी कि हम बात करने वाले यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की, सरफराज खान की और मोहम्मद सिराज की। ये बल्लेबाज जीरो पर आउट हो गए, जहां पर ध्रुव जुरेल और घातक विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, तो वहीं रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरीके से हार चुकी थी, मेरे कहने का मतलब यह है, लेकिन अगर ध्रुव जुरेल और यहां पर सुमन गिल ताबड़तोड़ विस्फोटक मैदान पर टिककर बल्लेबाजी ना करते तो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ जाता। चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम पूरी तरीके से हार चुकी थी, लेकिन इन बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली और हारा हुआ मैच किस तरीके से जीत में तब्दील कर दिया वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। ध्रुव जुरेल और सुमन गिल की बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे अपनी आंखों से लाइव तो आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल गदगद हो जाएगा। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया इन बल्लेबाजों का आउट करने के लिए, लेकिन इन बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया, इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, सबसे पहले चौथे दिन बल्लेबाजी करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल गए, जहां पर रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक डटकर बल्लेबाजी, क्योंकि रोहित शर्मा को पता था कि अगर डटकर और रुककर बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो शायद हमें चौथे टेस्ट मुकाबले में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। रोहित शर्मा ने तो डटकर बल्लेबाजी की, लेकिन यहां पर सुमन गिल काफी बड़ी गलती कर गए। सुमन गिल से पहले पहले यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी चाहिए और हालांकि 4-6 ओवर में उन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन वो काफी बड़ी गलती कर गए। यशस्वी जायसवाल 33 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए, जो काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यशस्वी जायसवाल का जब विकेट गया तो यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर सुमन गिल आ गए। जब सुमन गिल आए तो यहां पर रोहित शर्मा का विकेट चला गया, उसके बाद यहां पर रजत पाटीदार का विकेट चला गया, सरफराज खान भी जीरो पर आउट हो गए, रविंद्र जडेजा जब यहां पर 4 रन बनाकर के आउट हो गए और यहां पर मोहम्मद सिराज भी जीरो पर आउट हो गए तो भारतीय टीम बिल्कुल हार के कगार पर ही खड़ी थी। लेकिन यहां पर ध्रुव जुरेल ने आकर के मैदान पर ऐसी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ध्रुव जुरेल अगर ना होते तो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ जाता। तीसरे सेक्शन में ध्रुव जुरेल ने 90 रन ठोके थे और यहां पर चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन ध्रुव जुरेल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और ध्रुव जुरेल ने सुमन गिल ने काफी मशक्कत करके भारतीय टीम को जीत हासिल करा दी। फिलहाल चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।